आज की इस परिचर्चा में इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड संस्कृत शास्त्रीय नॉलेज की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज की ये जो तृतीय परिचर्चा है और इसका जो आज विषय लिया गया है इस तृतीय परिचर्चा में, वो है भारतीय मनोविज्ञान एवं परामर्श पद्धति के पाठ्यक्रम सामग्री का परिभाषिकीकरण। आप अपनी स्क्रीन पे सीधा देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मनोविज्ञान शब्द में मन को काटा गया है, उसके ऊपर लकीर लगा दी गई है और अंतःकरण शब्द रखा गया है। और ये क्यों रखा गया है इसकी अभी चर्चा हम आगे चल के करेंगे, लेकिन उससे पूर्व मैं दो तीन बातें आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ। आज हमारे साथ डॉक्टर चित्रंजन दयाल सिंह कौशल जी, जो कि डायरेक्टर हैं हरियाणा संस्कृत अकादमी के, वो हमारे साथ जुड़े हैं और हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथ में डॉक्टर सदानंद जी दक्षिण भारत से हमारे साथ जुड़े हैं, इस वक्त वो दिल्ली में हैं लेकिन साइकेट्री एडोलसेंट साइकेट्री में वो डील करते हैं। डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, श्री राहुल खटे जी जो कि वो SBI में मैनेजर हैं लेकिन भारतीय भाषाओं के ऊपर उनका बड़ा विशिष्ट काम है और आगे आने वाला जो एक लेक्चर आप सुनेंगे वो एटिमोलॉजी के ऊपर वो उनके द्वारा होगा। और साथ में हमारे डॉक्टर रूपिका भनोट जी पंजाब से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और धीरे धीरे बाकी जो लोग जिनकी रुचि होगी वो समय पे जुड़ते रहेंगे। तो चलिए सीधे विषय की ओर अग्रसर होते हैं समय को भी बचाते हुए। तो आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये बीच में जो आप चित्र देख रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें एक ये बताने के लिए है कि हमारी दृष्टि की सीमा क्या है। आप वही इंद्रियां हैं, वही सब कुछ है, वही दृश्य होते हैं, लेकिन एक दृष्टि से देखते हैं तो आपको एक चेहरा दिखाई देता है और दूसरी तरफ से देखते हैं दूसरे नजरिए से विचार बदलते ही आपको उसमें स्त्री का चित्र भी दिखाई देता है। अब इस तरह से जो मनोविज्ञान के आरंभ होता है कि जहां संशय संदेह और बहुत सारे जो अन्य वृत्तियों में जो ऊहापोह होता है उन सबको ध्यान में रखते हुए हम मनोविज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि इसी वजह से हमारे कर्म में, हमारे ज्ञान में, हमारे व्यवहार में कई तरह की विकृतियां भी आती हैं। कई बार हम लोग बड़ा श्रेष्ठ कर्म भी करते हैं और कई बार हम निकृष्टता में भी चले जाते हैं। तो अंतःकरण जो हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो सारे का सारा यहाँ पर कई अर्थों में और कई उसके आयामों के साथ वो प्रस्तुत किया जाएगा, आप लोगों के साथ मैं वो साझा करूंगा। लेकिन इस तरह के विषयों को हमें उसके बारे में ये स्पष्टता कर लेनी चाहिए कि एक तो हमने शास्त्र को कहीं भी छोड़ना नहीं है। आधुनिकता का ये अर्थ नहीं है कि हमने शास्त्र छोड़ दिया, जो कुछ भी हम स्थापित करेंगे वो शास्त्र पर आधारित होगा, लेकिन शास्त्र के साथ साथ हमें रीजनिंग, जिसे युक्ति कहा जाता है, वो हमारे लिए आवश्यक है, जिसे हम सामान्य रूप से प्रयोग नहीं करते। और तीसरा जो है वो अनुभव। तो ये तीनों को मिलाकर के जो हम स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं इस अप्लाइड संस्कृत शास्त्रीय नॉलेज में, वो यही है कि शास्त्र को साथ लेंगे, शास्त्र के आधार पर नए विषयों की स्थापना करें, नए तरीके से स्थापनाएं करें, एक अल्टरनेटिव व्यवस्था देने की कोशिश करें और अपनी भाषा में, अपनी संस्कृति के आधार पर हम अपनी समस्याओं का समाधान अपने शब्दों में, अपनी भाषा में करने का प्रयास करें। तो उसके लिए ये तीनों बातें हमारे पास होनी चाहिए, शास्त्र भी, युक्ति भी और अनुभव। और युक्ति का मतलब केवल खंडन करना नहीं है, युक्ति का मतलब है कि उसको आप अप्लाइड कैसे बनाएंगे, व्यवहारिक कैसे बनाएंगे, उसको उपयोगितापूर्ण कैसे बनाएंगे। और यही चार बातें जो हैं वो आप नीचे देख सकते हैं कि इन तीनों का जो आधार रहेगा, इनका जो मूल्यांकन करने का तरीका रहेगा वो यूटिलिटी, मीनिंगफुलनेस और रेलिवेंसी और एप्लीकेशन, ये चार ही होने चाहिए। तो अब देखते हैं कि आज की परिचर्चा में हम सभी मिलके इन विषयों पे क्या और अग्रसर अपनी बात कर सकते हैं। तो कल कुछ मैंने आप लोगों के साथ प्रश्न साझा किए थे, उन्हीं को मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। लगभग 15 मिनट के करीब मैं अपनी बात
को आप लोगों के साथ साझा करूंगा और फिर आप लोगों के जो हैं वो विचार और टिप्पणियां इसके ऊपर लिए आमंत्रित करूंगा। पहली बात है कि हम भारतीय मनोविज्ञान से क्या समझते हैं और क्या मनोविज्ञान साइकोलॉजी विषय का किसी भी प्रकार से सही अनुवाद हो सकता है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको हमें देखना चाहिए कि साइकोलॉजी जिस अर्थ में और इतिहास में जिस दृष्टि से वो चल के आ रही है और हम मनोविज्ञान शब्द तुरंत प्रयोग कर देते हैं, क्या वो उसके लिए उपयुक्त है। फिर इसके अतिरिक्त हमारे पास ये भी प्रश्न आएंगे जिनके साथ हमें जिनको हमें हैंडल करना है, जिनको हमें देखना है, मन बुद्धि चित्त अहंकार वृत्ति आत्मा सच्चित आनंद जीव कोश कर्म आदि शब्दों का अंग्रेजी में परिनिष्ठित अनुवाद संभव है। क्या उपरोक्त शब्दों की व्याख्या अतिव्याप्ति या सांकर्य दोष से पीड़ित नहीं है। ये भी बहुत विचारणीय बात है कि जहां पर भी हम साहित्य में देखते हैं संस्कृत साहित्य में मन और चित्त में कोई भेद ज्यादा नहीं किया जाता, हालांकि उनके दर्शनों में अलग अलग भूमिका जरूर निश्चित की गई है, परिभाषाएं भी दी गई हैं, लेकिन जब हम साहित्य में पढ़ने लगते हैं तो कहीं पे मन और जो भावनाएं हैं और जो चित्त है या बुद्धि है वो एक तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोपित कर दिए जाते हैं। विशेष रूप से साहित्य शास्त्र में आप देखते हैं तो वहां मन और चित्त को दोनों तरह से प्रयोग कर दिया जाता है, एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में भी। फिर मनोविज्ञान के विषय में जो कुछ भी सूचना सामग्री उपलब्ध है क्या वो पर्याप्त और व्यवस्थित है। क्या हमने ये देखा पिछले 70 सालों में 80 सालों में कि हमारे पास सामग्री बहुत है लेकिन ना हमने कभी उसको व्यवस्थित किया ना हमने कभी उसको उपयोग में लाने का प्रयास किया, कहने को हम जरूर कहते रहे। और फिर इस उपलब्ध विषय सामग्री का उपयोग वैज्ञानिक पद्धति से प्रयोग करना संभव है, और साथ ही साथ ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में क्या BA में पढ़ाना संभव है, और यदि है तो हम इसके लिए कितने प्रयत्नशील हुए या हमने क्या प्रयास किए। तो ये बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है, हम लोग साहित्य पढ़ाते रहे लेकिन साहित्य में से मनोविज्ञान के तथ्यों को लेकर के यदि हम उसको प्रस्तुत करते तो मुझे लगता है वो अपने आप में एक बड़ा मूल्यवान विषय हो सकता था और बड़ा उपयोगी हो सकता था, और कैसे होता उसके विषय पे चर्चा करते हैं। और जैसा कि मैं कह ही रहा था कि शास्त्र की जब हम बात करें शास्त्र को हम कहीं नहीं छोड़ सकते, शास्त्र हमारा आधार है, हमारा मूल है, उससे हम अलग नहीं हो सकते। इसलिए इसकी जो विषय सामग्री आप लेंगे वो कि वैदिक स्रोतों से साहित्यिक रचनाओं से, ये सारा आप लोग जानते हैं, मुझे उसमें ज्यादा नहीं कहना। साहित्य शास्त्र जो लक्षण ग्रंथ हैं उनमें से दर्शन तंत्र आगम आयुर्वेद ज्योतिष और यज्ञ और कर्मकांड आदि इन सब विषयों से हमें इसकी सामग्री एकत्रित करके उसको उपयोगी रूप से प्रस्तुत करना है। इस सारी व्यवस्था को देखते हुए जो शास्त्र के आधार पर मुझे लगा कि हमें इस तरह से मनोविज्ञान को प्रस्तुत करना चाहिए और उसमें ये जो हैं उसके जो पक्ष हैं इन पक्षों पे अगर हम बातचीत करनी शुरू करें तो हम जो मॉडर्न साइकोलॉजी के लोग हैं उनको भी हम कन्विंस कर सकते हैं और उनको इस बात के लिए उनसे आग्रह भी कर सकते हैं कि आप अपने विषय में कम से कम 10 नंबर का 15 नंबर का या 5 नंबर का भी इस विषय को भारतीय मनोविज्ञान को स्थापित करें लगाएं, क्योंकि इससे बहुत सारी ऐसी ग्रंथियां खुल जाएंगी जो कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी उसको नहीं समझ पाती या उसके विषय में जो है वो अस्पष्टता उनमें रहती। तो जैसे कि आप देखते हैं कि हमें शास्त्र के आधार पर मानवीय व्यवहार के जो का स्वरूप भेद जितने भी हैं कि मानवीय व्यवहार को हम कैसे लेते हैं, उसका स्वरूप क्या है, उसके भेद क्या है, और वो सारी सारी बातें उसमें आ जाएंगी, प्लस उसमें व्यक्तित्व भी व्यवहार में जो है उसके साथ यहाँ पे आप व्यक्तित्व भी जोड़ लीजिए कि संस्कृत शास्त्र आदर्श व्यक्तित्व को कहाँ स्थापित करता है और उस व्यक्तित्व के अनुकूल हमारा जो व्यक्तित्व है वो कहाँ खड़ा होता है, उसका मूल्यांकन हम कैसे करें, ये सारी बातें इसमें हम देखेंगे। उसके बाद शरीर और इंद्रियां ये तो निश्चित है ही है क्योंकि इन्हीं के आधार पर आप सारा व्यवहार करेंगे। उसके बाद मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष आपके प्राण है। अगर आप देखें कि अगर आपके प्राण अव्यवस्थित हैं तो आपके विचार और आपके भाव आपकी वाक सब बिगड़ जाता है, तो प्राण अगर व्यवस्थित हैं, अगर प्राणों को आप व्यवस्थित कर लेते हैं तो आपके विचार
जो है आपके भाव जो है वो स्थिर हो जाते हैं। उसके बाद अंतःकरण शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, जिसमें लगभग 21 के करीब जो विभिन्न इसके आयाम हैं वो यहाँ पे लिए गए हैं। जबकि साइकोलॉजी में, वेस्टर्न साइकोलॉजी में जब माइंड शब्द प्रयोग होता है तो वो अपने इतिहास क्रम में जो है वो स्पिरिट के अर्थ में कभी आया है, कभी वो साइकी के अर्थ में भी आया है, और कई बार वो इमोशंस और अन्य अन्य चीजों के लिए, ह्यूमन बिहेवियर के लिए भी उसका प्रयोग होता है। तो जो अब चला आ रहा है वो ह्यूमन बिहेवियर को डिफाइन करने के अर्थ में जो है वो साइकी शब्द को प्रयोग किया जाता है, साइकोलॉजी को प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मनोविज्ञान शब्द पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए उसको हमें अंतःकरण से जो है वो स्थापन करना चाहिए, उसका जो है रिप्लेसमेंट करनी चाहिए। तो ये बहुत विशेष विषय रहेगा हमारी चर्चा का, क्योंकि बाकी ये जो शरीर, इंद्रियां और प्राण है, इसकी तो सामग्री प्रभुत आपको मिल जाएगी आपके शास्त्रों में। हाँ, ये है कि उसको पढ़ाना कैसे है और किन कौन कौन से विषय उसमें से पढ़ाने हैं, जिससे कि वो विज्ञान और शास्त्र दोनों को समन्वित रूप से हम वहां पे प्रस्तुत कर पाए। पांचवा जो इसका भाग रहेगा वो भाव, इमोशंस जो हैं, और बड़े गर्व से हम लोग साहित्य शास्त्र में इनको पढ़ाते हैं, और लेकिन उसका आगे करना क्या है, उसका संस्कार कैसे करना है, और भाव दुष्टता होने पर कैसे उसकी करेक्शन की जाएगी, इन सारे विषयों पर भी हमें बातचीत करनी है। फिर उसके बाद ज्ञान प्रक्रिया, इसको भी आप दर्शन से ले सकते हैं। उसके बाद कर्म, ये बड़ा एक विचित्र सा उलझा हुआ सा प्रश्न हमारा रहेगा कि कर्म को परिभाषित कैसे करना है, कि अगर मुझे अपने कर्मों का मूल्यांकन करना हो तो वो मैं कैसे करूंगा, या किसी के कर्म का मूल्यांकन करना हो तो कैसे होगा, तभी तो हम आगे उसका उपयोग कर पाएंगे। आठवां जो इसका पक्ष रहेगा वो है आपका लैंग्वेज, वाक या भाषा जिसे आप कहते हैं, जिसका आजकल सबसे अधिक जो है दुष्प्रयोग कहेंगे कि वो हो रहा है, या उसका अतिचार किया जा रहा है, तो उसमें करेक्शन करने जो है वो भारतीय मनोविज्ञान का एक पक्ष रहेगा। और फिर उसके साथ दो अन्य पक्ष बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिससे कि भारतीय मनोविज्ञान एक पूरा स्वरूप लेगा, वो है प्रतिभिज्ञा और प्रतिभा। प्रतिभिज्ञा काश्मीर शैविज्म का एक पूरा दर्शन, एक स्कूल है, लेकिन प्रतिभिज्ञा हमारे दैनंदिन जीवन में भी प्रयोग होती है, और आप देखेंगे कि कालिदास जो है अभिज्ञान शाकुंतल में प्रतिभिज्ञा का ही प्रयोग कर रहे हैं, नैषद में भी प्रतिभिज्ञा का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतिभिज्ञा के बिना स्मृति का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो ये बड़ा एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसको हम गंभीरता से हम लेते नहीं है। और दसवां पक्ष जो प्रतिभा है, वो तो निश्चित रूप से उसके बिना तो कोई क्रिएटिविटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि नवोन्मेषशालिता जब तक नहीं आएगी और उसका जब तक हम विस्तार नहीं करेंगे, इनोवेटिव थिंकिंग जिसको है, उसके लिए हमें प्रतिभा के ऊपर काम करना बहुत आवश्यक है। गवर्नमेंट बहुत बल दे रही है इनोवेटिव थिंकिंग के ऊपर, तो इनोवेटिव थिंकिंग के लिए हमें इन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। और दूसरा जो इसका व्यवहार पक्ष है, जिसकी अक्सर हम लोग बात करते हैं कि भाई थ्योरी और प्रैक्टिकल संस्कृत शास्त्रों के आधार पर होनी चाहिए जितने भी विषय पढ़ाए जाएं, तो वो कौन से हो सकते हैं, जिसमें काउंसलिंग टेक्निक्स भी हैं, जिसमें योगा के योग भी है, जिसमें विभिन्न जो मुद्राएं हैं वो भी इसमें शामिल हम लोग करेंगे। तो मैं बहुत संक्षेप में आप लोगों के साथ अगले 5-7 मिनट के अंदर अंदर दो तीन बातें और कर लेता हूं। ये एक बड़ा सरल सा मॉडल जो है संस्कृत शास्त्रों के आधार पे है, कोई भी अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर सकता है, बड़ा सरल सा, हर किसी के लिए संभव है। क्या है ये मॉडल, वो है कि यहाँ मध्य में आप स्वयं खड़े हैं, और बाहर की ओर अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप अपने क्लास में भी कर सकते हैं, स्वयं अपने पे भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप मध्य में आप हैं, और ये आपके जो पेरिफेरी है, ये जो परिधि है, इसके ऊपर ये वाले भाषा, कर्म, स्वतंत्रता, धर्म, संबंध, विचार, भाव और ज्ञान, इनको आप लिख लीजिए। और यहां से इसके साथ मध्य में से एक एक लाइन अगर आप खींच लेते हैं तो ये सारी की सारी लाइनें इसके साथ जुड़ गई, यानी कि ये आपके आयाम हो गए। अब करना क्या है, इसका टेस्ट करने का जो तरीका है वो क्या है, शास्त्रीय पद्धति, वो है कि इसके ऊपर आप स्वयं ईमानदारी से अपने नैतिकता के आधार पे
अपना मूल्यांकन करें कि 1 से 16 के मापनी पर, स्केल पर आप यहाँ पर कितना जानते हैं। मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि 1 से 16 के स्केल पे आप बताएं कि आप भाषा पर कितना आधिपत्य है, भाषा के भविष्य में आप कितना अधिक जो है वो आपकी पकड़ है, वो जानने के लिए आप 1 से 16 के बीच में लगाएं। 1 से 16 का क्यों रखा, क्योंकि 1 से 16 तक जो है वो पूर्णता की संख्या हमने मानी है, जो पुरुष है वो पूर्णता का प्रतीक 16 कलाओं से माना जाता है, हालांकि उसके बहुत सारे आयाम है लेकिन उसी को आधार बना करके इसको रखा है। हालांकि जो सोशल साइंसेस में प्रयोग किया जाता है वो 1 से 10 का स्केल सामान्य रूप से प्रयोग होता है और उसका कोई रीजन नहीं हमें उपलब्ध होता है जब भी मैंने उन लोगों से बात की। तो 1 से 16 के ऊपर यदि आप अपनी भाषा पर अपने को नंबर देते हैं, मान लीजिए 10 देते हैं, 12 देते हैं, 14 देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको मनोविज्ञान की आवश्यकता है। ये जैसे यहाँ पर हमने ये दे रखा है, ये 8-9 के लगभग है। इसी तरह आप अपने कर्म के ऊपर विचार करें कि मैं 1 से 16 के आधार पर अपने किए जाने वाले कर्मों को कितने नंबर देता हूं। तो आपने अपने आप को जो है वो 14 दे दिए, 15 दे दिए, तो आपने यहाँ एक डॉट लगा दिया, यहाँ एक डॉट लगा दिया। इसी तरह आप अपनी फ्रीडम को, अपने धर्म, धर्म का मतलब यहाँ रिलीजियस नहीं है कि भी आप पूजा पाठ क्या करते हैं, अपने कर्तव्य निष्ठा आप में कैसी है उसका मूल्यांकन है। आप अपने संबंधों को कैसे जीते हैं, आपके विचार का स्तर क्या है, आपके भावनाओं का स्तर क्या है, आपके ज्ञान का स्तर क्या है। तो 1 से 16 के स्केल पे जब आप इसके ऊपर बिंदु लगा लेंगे तो उन बिंदुओं को आप आपस में मिला दीजिए। तो ये सारे बिंदु जब आपने आपस में मिला दिए तो ये आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन आ गया, यानी कि इतना तो आपके जीवन में है, आपके व्यक्तित्व में इतनी पूर्णता तो है ये अंदर अंदर, लेकिन ये बाकी सारा का सारा क्या है, खाली है। यहां पर आपको मनोविज्ञान की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। यहां से हमारा काम शुरू होता है, यहां से संस्कृतज्ञों का काम शुरू होगा कि वो भाषा को अधिकतम उसका उपयोग करने के लिए, उसको सार्थक बनाने का कैसे, वो कौन सी पद्धतियों का उपयोग करते हैं, कर्म में श्रेष्ठता लाने के लिए वो कौन से काउंसलिंग अपनाते हैं, कौन से वो टेस्ट देते हैं, फ्रीडम का सदुपयोग करने के लिए, अधिकतम उपयोग करने के लिए वो क्या करते हैं। तो कुल मिलाकर के इसका मतलब है कि मेरा जो व्यक्तित्व है वो इतना है और मेरे पास संभावनाएं कितनी है, ये बाहर का सारा एरिया मेरी संभावनाएं हैं जहां पे मुझे अपने आप को विकसित करना है। अब ये करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि भाई मनोविज्ञान खड़ा कहाँ होता है। सामान्य रूप से जब भी आप कोई मनोविज्ञान, भारतीय मनोविज्ञान की पुस्तक देखेंगे तो सामान्य रूप से हम तुरंत इसके ऊपर पड़ जाते हैं कि हमने, हमारे पास देखो अन्मय कोश है और आनंदमय कोश है और ये विज्ञानमय कोश है और ये मनोमय कोश है और प्राणमय कोश है, इन सब चीजों की बात कर देते हैं, लेकिन इससे आपके हाथ में विशेष कुछ नहीं आता। और भीतर आप क्या करने लगते हैं, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और उसको ऐसा आप दार्शनिक बना देते हैं कि उससे जो है उसका उपयोग करने में कठिनाई आ जाती है। हालांकि ये सब कुछ है लेकिन इसका आप उपयोग नहीं कर पाते, लेकिन फिर इस पे चर्चा करेंगे। दूसरा, भारतीय मनोविज्ञान को आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि भाई अगर हम स्नायु मंडल 70,000 नाड़ियों की हम बात करते हैं, ज्ञान प्रक्रिया को अगर हम देख लें, अंतःकरण को देख लें और इमोशंस को देख लें, एक्शंस को देख लें और करेक्टिव मेथड्स जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसमें कि यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि और आयुर्वेद, औषध और परंपरागत साधन, ये सारे उसमें हम सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये एक उसका प्रारूप खड़ा होता है, लेकिन फिर भी हमारे सामने एक चुनौती रहती है कि भाई वस्तुतः हम ठोस रूप में मनोविज्ञान कैसे देंगे। तो मुझे जो लगा और जिससे मैं कन्विंस्ड हूं, तो वो मैंने कहां से लिया, वो मैंने लिया वैशेषिक दर्शन से। केवल क्या किया, मैंने अपनी ओर से एक परिवर्तन किया कि द्रव्य को मैं देह कहने लग गया, जीव कहने लग गया। वो द्रव्य शब्द मैं वहां जीव के लिए, देह के लिए प्रयोग करता हूं। और आप ये देखेंगे कि सारी की सारी जितना मनोविज्ञान है वो बिल्कुल इसमें स्थापित हो जाता है। कैसे हो जाता है कि प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव के कितने हैं, 24 गुण, वो आप देखेंगे वहां पर। 24 के 24 गुण
प्रत्येक मनुष्य के भीतर आपको दिखाई देंगे, उसके व्यवहार में दिखाई देंगे। अब उनका स्तरीकरण करना जो है वो हमने देखना है, वो हमारा दायित्व है। फिर हम ये भी देखते हैं कि प्रत्येक प्राणी जो है वो दो प्रकार से व्यवहार करता है, सामान्य और विशेष, पर सामान्य और अपर सामान्य। फिर प्रत्येक प्राणी विशेष है, प्रत्येक प्राणी समवाय भाव से अपने मन शरीर बुद्धि के साथ रहता है, और प्रत्येक प्राणी का जो व्यवहार है वो चार प्रकार के अभावों से भी प्रभावित होता है, ये बात हम कभी ध्यान नहीं देते। और फिर प्रत्येक प्राणी समाज में रहता हुआ पांच प्रकार के कर्म करता है, या तो ऊपर समाज में ऊपर जाने की कोशिश करता है, या वो अपने व्यवहार के कारण निम्न जो अधोगति वाले कर्म है, या वो अपने कर्मों का विस्तार करता है, जैसे पॉलिटिक्स में होता है कि आप अधिक से अधिक संबंधों को बनाते हैं। तो इस आधार पर मैंने पूरे का पूरा इस मनोविज्ञान का प्रारूप स्थापित करने का और उसका उपयोग करने का प्रयास किया है। तो मैं इसी को विशेष रूप से, इसी के ऊपर अधिक बल देने का हमेशा प्रयास करता हूँ। ये आप सभी जानते हैं जो संस्कृत की पृष्ठभूमि से हैं, सभी जानते हैं कि द्रव्य में जो है आपका शरीर किससे बना हुआ है, पृथ्वी जल वायु तेज पंच महाभूतों से, और उसमें काल दिक् आत्मा नहीं है। तो पूरा का पूरा मुझे लगता है कि वो द्रव्य की बजाय मनुष्यों के ऊपर, प्राणियों के ऊपर, देह के ऊपर ये परिभाषाएं लागू होती हैं। और प्रत्येक प्राणी में रूप रस गंध ये तो है ही है, यही तो हमें चाहिए। और अगर ये हमें पता लग जाता है और इनका हम स्तरीकरण करना जानते हैं कि भाई हमारा जो है इसका किस तरह से इसका मूल्यांकन करेंगे आदमी के 24 प्रकार के गुणों का, तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा कार्य हो सकता है, व्यवहारिक हो सकता है। तो ये मैं अभी ज्यादा इसमें और नहीं जा रहा, लेकिन मनुष्य व्यवहार जिनकी मैं बात कर रहा था वो सारी के सारी ये हैं कि ये मेरा है, ये मैंने सारे के सारे शास्त्र से लिए हैं, कोई भी अपना नहीं है। सारे के सारे जो प्रमाण है वो शास्त्र से है। और अगर आपने अध्यास भाष्य देखा है तो अध्यास भाष्य की शुरुआत ही वो यहाँ से होती है कि भाई ये मैं हूँ और ये मेरा है, इस तरह का जो हम स्वाभाविक लोक व्यवहार है वो हम देखते हैं जो कि परस्पर विरुद्ध है। और इस तरह के बहुत सारे उपाय हैं, मैं उनमें नहीं जा रहा। और फिर इसी के आधार पर शास्त्रों में हमने कई तरह के व्यवहार भेद निश्चित किए, व्यवहार भेद शरीर आधारित, अवस्था आधारित, जात्या आधारित, आश्रम आधारित आदि आदि, ये सारे के सारे उस पे आधारित हैं। और इस प्रकार करते हुए अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो हमारे पास ये नीचे व्यवहार के जो शास्त्रीय भेद हैं वो 5184 भेद निश्चित हो जाते, लेकिन हमने कभी उनका उपयोग नहीं किया। लेकिन इस रूप में अगर हम ये करते चले जाएं तो आप देखेंगे कि 5184 भेद तो आपके पास विद्यमान है, एक एक भेद के ऊपर भी अगर हम काम करने लगे तो मुझे लगता है उसका समापन ही नहीं होगा। तो एनीवे, बाकी मैं उसके बाद फिर हमने इसके उदाहरण भी लिए कि अस्वस्थ मानवीय व्यवहार के वैदिक उदाहरण कौन से हैं, मानवीय व्यवहार के अन्य द्वितीय उदाहरण कौन से हैं, और मर्यादा परक व्यवहार के तृतीय उदाहरण और उसका विश्लेषण आदि आदि, इस तरह से ये सारा काम किया। और फिर उसके बाद व्यक्तित्व विश्लेषण की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए वो उसके ऊपर, और मुझे लगता है कि ये श्लोक सबसे अधिक प्रभावी है व्यक्तित्व विश्लेषण के लिए कि आकार सदृश प्रज्ञा सदृश आगम ही सदृश आरंभ सदृशो दया, कि भाई आकृति और जो आपकी प्रज्ञा है वो एक दूसरे के अनुकूल हो, अगर नहीं है तो निश्चित रूप से उस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। यही ये सारी बातें हैं, मैं इनमें से निकल रहा हूँ। आप प्राणों का स्वरूप, शरीर इंद्रियों के ऊपर हमने बात कर ली, प्राणों की स्थिति, ये सारे कैसे प्रभाव डालते हैं, और अब जो मंतःकरण की बात हम कर रहे थे उस पे 2-3 मिनट लेकर के फिर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। यहाँ देखिए कि वहां पे माइंड शब्द, साइकी शब्द प्रयोग होते हैं, लेकिन यहाँ तो आपके पास क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार भावना वासना सत्व सत चित्त आत्मा ज्ञान अज्ञान पुरुष जीव स्मृति अनुभव हृदय, ये तो है ही है। और इसके साथ काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा, ये सारे के सारे मन के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग होते हैं, तो मन कहाँ खड़ा होता है। तो आपको अंतःकरण शब्द ही प्रयोग करना जो है वो मुझे लगता है उचित है। और इसके अतिरिक्त आपके सामने ये सारी शब्दावली देखिए, संज्ञान आज्ञान विज्ञान प्रज्ञान मेधा इष्टि धृति मति मनीषा, इन शब्दों को
अगर आप इकट्ठा करें तो आप अंतःकरण शब्द मुझे लगता है सुरक्षित रूप से कर सकते हैं। बाकी तो ये सारी बातें हैं, मन के पर्याय जो हैं वो 17 तरह के मन के पर्यायवाची शब्द आपको मिलते हैं संस्कृत साहित्य में, और उनके प्रयोग विभिन्न प्रकार से मिलते हैं। भाव विश्लेषण, ये सारे के सारे भाव हैं। ज्ञान प्रक्रिया, ये सारी की सारी आप देख सकते हैं। आप सब जानते हैं, मुझे उसमें नहीं कहना, लेकिन केवल एक भूमिका के रूप में ये सारी बातें कर रहा हूँ, और उसके बाद आपसे बात करूंगा मैं कि इसको हम और इसमें क्या ऐडअप करें। कर्मों का स्वरूप, कई तरह के कर्म हैं वो सारे के सारे। फिर मनोभाष की, जिसे वाक भाषा आप कह रहे हैं, कि किस तरह से उसके विभिन्न आयाम हैं, ये सारे वही हैं। और वचन दोष, वचन रक्षा, वचन साफल्य, क्योंकि वाणी को हम सुरक्षित नहीं रख पाते इसलिए भी मनोवैज्ञानिक समस्याएं बहुत सारी आती हैं। ये प्रतिभिज्ञा का रूप है, प्रतिभा का रूप है, दृष्टि पक्ष, सृष्टि पक्ष, ये सारी आप जानते हैं, इसमें मुझे ज्यादा नहीं कुछ भी कहना। हाँ, लेकिन जो अब अंतिम बात कह के समाप्त कर रहा हूं मैं, कि भाई संस्कृतज्ञों को परामर्शक बनने की आवश्यकता है, क्योंकि वो तभी उनका जो है काउंसलिंग कर सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं, अगर वो जानते हैं कि किस छात्र में या किसी व्यक्ति में कौन से दोष हैं और उन दोषों का परिमार्जन कैसे करना है, उसको सुलझाना कैसे है। तो एक तरह से अगर आप संस्कृतज्ञों को अगर हम लाना चाहते हैं अप्लाइड सोशल साइंसेस में, तो उसको काउंसलिंग का ये पता हो कि वो किस लिए काउंसलिंग कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो मैं 5 तरह की काउंसलिंग की आपसे बात करके समाप्त कर रहा हूँ बात, कि सबसे पहले तो आप विषाद, जो लोग डिप्रेशन में हैं, डिस्टर्ब माइंड है, गीता की पद्धति का हमें प्रयोग करना चाहिए। गीता में तो दिया हुआ है, लेकिन गीता की पद्धति का उपयोग कैसे करना है, ये महत्वपूर्ण बात है। फिर उसके बाद योग वासिष्ठ को हमें लेना चाहिए, जो दूसरा काउंसलिंग का तरीका है, जो कि अकर्मण्यता, उदासीनता, उचाटपन, जो कि आजकल आप देखते हैं बोर्डम आ जाती है, लोगों का कोई इंटरेस्ट ही नहीं किसी चीज में बन पाता है, तो ये सारी चीजें जो है टेक्नोलॉजी के कारण जो उचाटपन आता है, वहां पे योग वासिष्ठ आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन वो प्रयोग करने में आपकी कंट्रीब्यूशन चाहिए। मटेरियल है, लेकिन प्रयोग कैसे करना है। फिर ज्ञान में भ्रम के लिए त्रिपुरा रहस्य की पद्धति को आपको प्रयोग करना आना चाहिए, जहां पर स्त्री काउंसलिंग कर रही है पुरुष की, कि एक पत्नी जो है वो पति की काउंसलिंग कर रही है और 36 स्टेप्स में वो करती है, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। फिर चौथी जो पद्धति हमें काउंसलिंग की, परामर्श की अपनानी चाहिए, वो दुर्गा सप्तशती से, जहां पर जो राजा और जो वैश्य है वो दोनों जो हैं वो ऋषि से काउंसलिंग लेते हैं, और ऋषि जो है उनसे कुछ प्रक्रियाएं करवाते हैं, और फिर उसके बाद उनकी काउंसलिंग होती है कथा के माध्यम से। और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है, जिसका हमने कभी प्रयोग ही नहीं किया, वो पंचतंत्र और हितोपदेश है, कि जो जड़ता है बच्चों में, अपनी तरह की जो जड़ता है, जो रुचि ही नहीं लेते किसी चीज में, कि आपके आसपास क्या घटित हो रहा है, वहां पर पंचतंत्र और हितोपदेश मुझे लगता है बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ हो सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग हमें करना होगा। तो इन 5 परामर्श पद्धतियां जो हैं, इनका हम उपयोग करें, ये सारी बातें देखने वाली हैं। ये आगे सारी वो सारी चीजें हैं, मुद्राएं, जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। और इन सब बातों का, अगर आप, 1 मिनट में और लूंगा, अगर आप ध्यान दें, आप ये देखें कि इसी के आधार पर, क्योंकि इस विषय को हमें फैलाना था, तो मूल्यांकन की पद्धतियां भी इसके लिए विकसित की गई। वो विकसित क्या गई, कि जहां जहां हमें जो जो शब्द मिलता रहा, उसके आधार पर हमने प्रश्न बनाते रहे, जैसे कि वेदांत आश्रित व्यक्तित्व विश्लेषण का पद्धति क्या है। अब यहाँ पर हमने उनको प्रश्न दिए हुए हैं कि मैं दूसरों से स्पष्ट व्यवहार करता हूँ, ये सारे जहां जहां जो शब्द हमें मिलते गए, कि ब्रह्म जिज्ञासा में न्यूनतम रुचि है, मैं जीवन से संतुष्ट हूँ, भोजन में फलाहार या शाक सब्जियां अधिक प्रिय हैं, ये सारा का सारा शास्त्रीय पद्धति पर आधारित है। और फिर जो है, जिस व्यक्ति को हम देना देते हैं, उसको कहते हैं कि भाई तू 1, 2 या 3 नंबर दे, और फिर उसके हम टोटलिंग करके उसका जो है निष्कर्ष निकालते हैं कि इसका व्यक्तित्व कैसा है और इसको किस प्रकार के काउंसलिंग या किस प्रकार की क्रियाओं की या कार्यों की आवश्यकता है। इसी रूप में आप एक दूसरा भी देखें पद्धति दिखा करके मैं विचार आमंत्रित कर रहा हूं आपके, एक परीक्षण विधा और आपको साथ, ये संस्कृत साहित्याश्रित सामान्य व्यक्तित्व परीक्षण,
अब आप ये देखिए कि यहाँ पे युक्ति संगत अधिक बोलता हूँ, मैं अपने व्यवहार से समझता हूँ, अब उसके लिए वाग्मी वाचो युक्ति पटो हो प्रवाद, मतलब ये सारे चलो संस्कृत की शब्दावली है, लेकिन उसके आधार पे क्योंकि हमने सामान्य लोगों से बातचीत करनी है तो उसके लिए हम उससे ये प्रश्न देंगे और उसका हम मूल्यांकन करेंगे। सारहीन अधिक बोलता हूँ, मैं सारहीन अधिक बोलता हूँ, मैं दूसरों में दोष ढूंढता हूँ, ये आपके व्यक्तित्व को बतलाने के लिए मूल्यांकित करने के सारे प्रश्न हैं। 50 के करीब ये प्रश्न है, तो इसके आधार पर आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप इस तरह की सारी बातें, इस तरह के हमें कार्य करने चाहिए। तो इसी सारे विषय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात मैंने पूरी कर ली है, एक पृष्ठभूमि के रूप में आप सबको मैंने वो सारी बातें बता दी हैं कि यही मेरे पास मुझे लगा कि इस विषय को हमें जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें हमें संस्कृत को इस विषय की ओर से स्थापित करना चाहिए, और दूसरा इंडियन जो नॉलेज सिस्टम जिसके ऊपर आजकल बहुत बातचीत हो रही है उसमें हमें इस तरह से विषयों को सामने लाना चाहिए, तो तभी उसका जो है सफलता जो है वो सिद्ध होगी, उसकी उपयोगिता होगी, और उसका फिर जो है वो मूल्यांकन जो है वो दूसरे विषयों के लोग करेंगे और उसको स्वीकार करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के मेरे सामने कुछ एक चीजें थी, तो मैं आप लोगों से अब चाहूंगा कि आप लोग इसके ऊपर अपनी टिप्पणी या आप अपना क्रिटिसिज्म या आपकी जो भी राय है या जो भी आपका इस विषय में दृष्टिकोण है वो हमारे साथ बात करें, जो जिस भी दृष्टि से आप करना चाहते हैं। तो अब ये हाउस जो है वो खुला है आप लोगों की चर्चा के लिए, आप लोगों की टिप्पणी के लिए, तो जो भी आप सीधी सीधी बात कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं। कौशल सर नमस्कार। नमस्कार, ठीक है सर। जी, तो ये सारा विषय है जिस विषय पे मैं आप लोगों के साथ विचार साझा करना चाहता था। तो रविंदर जी, आप ने तो गीता आपके तो जिह्वा पर विराजमान है। नहीं, नहीं है। नहीं नहीं, आपको जितना उसके विषय में ज्ञान है वो बड़ा प्रभावी है, हम लोगों को भी उतना नहीं है स्मरण जितना आपको स्मरण है, तो उस आधार पे अगर आप इस पे कोई टिप्पणी करना चाहते हैं या अपनी दृष्टि से कुछ। सर, पहली बात मेरा एक मानना है कि यदि हम भगवत गीता को बड़े ध्यान से विश्लेषण करें तो आप पाएंगे भगवत गीता तो है ही मनोविज्ञान से संबंधित ग्रंथ जी, क्योंकि तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जो भी बात कही है वो अर्जुन जब विषाद योग में तब कही है, और उसके बाद उसको अपने कार्य करने के लिए प्रेरित किया है, जी जी, आदेश नहीं दिया। एक तो ये आमतौर पर गलत धारणा है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा और उसने मान ली बात। भगवान श्री कृष्ण लास्ट में भी ये वो कहते हैं कि भाई दो बातें कहते हैं उससे कि हे अर्जुन, क्या तूने मेरी बात ध्यान से सुनी, एकाग्रचित होकर सुनी, एक बात, और फिर उसके बाद पूछते हैं कि क्या तेरे सारे संशय दूर हो गए। जी, कहीं पर उन्होंने ये नहीं, यदि उन्होंने आदेश देना तो गीता कहने की जरूरत ही नहीं थी, एक बात। दूसरा, यदि बहुत संक्षेप में देखें आप, मुझे जो आज के आपके वक्तव्य में जो सबसे अच्छी बात लगी जी, जो कि जिसके ऊपर हमें और गहन चिंतन भी करना चाहिए, वह मन और अंतःकरण के बीच में जो आपने संबंध और अंतर बताया है, और ये अंतःकरण की जो बात है ये वो मनोवैज्ञानिक तथ्य है जो मैं ये समझता हूँ कि भारतीय सोच को विदेशी सोच से अलग करता है। क्योंकि मैंने देखा अभी अब काफी जगह तो इस तरह के हॉस्पिटल खुल गए हैं जो मनोचिकित्सक के नाम पर पब्लिक को एलोपैथी दवाइयां दे रहे हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में तो यदि आप मनोवैज्ञानिक रूप से देखिए, दो चीजें हैं, डिप्रेशन भी है वो भी मनोवैज्ञानिक है,
हाँ जी हाँ जी आप जो है जैसे अर्जुन है, आप देखें, आप भगवत गीता के संदर्भ में आप देखें, अर्जुन तो शुरू में क्या कहते हैं पहले अध्याय में कि हे कृष्ण मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले जा, मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन कौन मुझसे युद्ध करने के लिए आई हैं, इनके उसमें अहंकार भी है। और वहां पर वो जैसे हम कहते आम भाषा में, मैं देखता हूँ कौन सा पहलवान आया भाई देखने मेरे मेरे से लड़ेगा, और फिर वो कैसे अपने संबंधियों को देखकर मनोवैज्ञानिक रूप से डाउन हो जाता है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के शुरू में वर्ड जो यूज किया क्लेबियम किया है। हाँ जी, और इसकी एक बड़ी, मैं इसलिए कह रहा था कि एक बहुत ही ना गलत शब्दावली का प्रयोग हुआ है, दुर्भाग्य से गीता प्रेस गोरखपुर ने भी वहां पर उन्होंने उसके लिए वर्ड यूज कर दिया नपुंसक। हाँ जी हाँ जी, और जो कि हम आमतौर पर बायोलॉजी के टर्म में लेते हैं, तो आवश्यकता क्या है सर हमें वहां पर नपुंसक अर्थ बायोलॉजिकल डेफिशिएंसी नहीं है, बल्कि जब आप मन से हार जाते हैं, वो जैसे कहते हैं कि मन के हारे हारे मन के जीते जीते, तो वो जो हमारी कहावत है ना जी, उस दृष्टिकोण से क्लेबियम शब्द है वो। जी 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 बिल्कुल, वो तो आप जितने मर्जी पहलवान हो, यदि आप सामने वाले से मनोवैज्ञानिक रूप से डरे हुए हैं तो आप उसे जीत ही नहीं सकते। तो इसलिए मेरा कहना है कि जो शुरुआत हुई है भगवत गीता की, वो है ही क्या कि एक ऐसा व्यक्ति अर्जुन जो कि हताश है, विषाद में हताश है, उसमें अपनों को वो भूल रहा है, क्षमताओं को ज्ञान तो है लेकिन मुख्य बात क्या है कि वो अपने कर्तव्यों से भूल रहा है कि मुझे क्या कर्तव्य करना जी जी। चाहिए। और मनोविज्ञान में भी तो यही है सर, एक एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, मान लीजिए विद्यार्थी है, उसका कर्तव्य तो क्या है पढ़ना, लेकिन वो इधर उधर भटकने लगे, इसलिए आप देखेंगे कि जो आपने कहा था बहुत सुंदर बात कही थी जब मन और अंतःकरण की बात, तो चौथे अध्याय में तो सीधे सीधे अर्जुन ये प्रश्न ही कर देते हैं कि भी मन तो बड़ा चंचल है, और साथ में एक और बात कह देते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है फिर भी आप मुझे घोर कर्म में क्यों डाल रहे हैं। तो ज्ञान और कर्म का जो संबंध फिर चौथे अध्याय से शुरू होता है, वहां पर आप देखिए मनोविज्ञान है, क्योंकि यदि एक जैसे आप और हम कौशल जी प्राध्यापक रहे हैं, केवल यदि हम ज्ञान की बात करें और ज्ञान भी कौन सा किताबें हम पढ़ते रहें लेकिन शिक्षक के रूप में कर्म को ना करें, तो जैसे आपने शब्द लिया था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी, तो एक शिक्षक के रूप में पर्सनैलिटी कहाँ रह जाएगी आपकी, आपका मनोविज्ञान ही बदल जाएगा, क्योंकि आप शिक्षा को छोड़कर विषय को छोड़कर, इसे संक्षेप में कह रहा हूँ सर, किसका तो भगवत गीता में तो एक लाइन में मनोविज्ञान का आधार है सर। पहले भगवान श्री कृष्ण ज्ञान मार्ग की बात करते हैं, उसके बाद वो कर्म योग की बात करते हैं, और तीसरा उसके बाद वो भक्ति योग की बात करते हैं, और अंतिम निष्कर्ष में वो भक्ति योग पर ही तो आ गए। कि कितने बार क्या होता है सर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अधिक मैं कहूंगा अंतःकरण की दृष्टि से, यदि आपका अंतःकरण सात्विक गुणों से भर जाए तभी आप कार्य, क्योंकि मन मन से कभी भी नहीं होगा सर, मन कभी भी पूर्णतः सात्विक हो ही नहीं सकता, और यही अंतर है मन और चित्त में। चित्त या अंतःकरण तो सात्विक हो सकते हैं, मन नहीं हो सकता, मन तो चंचल है, उसमें तो तीनों प्रकार के गुण एक ही समय में रहेंगे। और इसीलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि देखें आप, अर्जुन को वो क्या डोज दे रहे हैं, वो कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं दे रहे, वो क्या कह रहे हैं कि तू सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा और मैं तेरे को सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जी, ये जो श्लोक है, ये जो श्लोक है 66वां 18वें अध्याय का, बहुत इम्पोर्टेंट है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, क्योंकि आदमी अनेक बार जिसे हम कहते हैं अदृश्य चिंताओं से जुड़ा रहता है, और अदृश्य चिंताएं जो है हमारी अदृश्य संभावनाओं से जुड़ जाती हैं,
और उन संभावनाओं के चक्कर में हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं अथवा उससे अलग हो जाते हैं या गलत कार्य करने लगते हैं। यदि आप हम भक्ति मार्ग का अर्थ ये नहीं है मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी सर कि भाई आप जो पूजा की थाली लेकर बैठ जाएं और भगवान के आगे वो करते रहें। भक्ति मार्ग का यहाँ पर जैसे आपने भी कहा था आशुतोष जी बहुत सुंदर बात की, भक्ति का अर्थ क्या है, कर्म करना। आप अपने कर्मों के प्रति प्रवृत्त हैं तो वही भक्ति है। एक महिला जैसे आप, मैं कहता हूँ जो वो खाना बनाती है और वो पूरे एकाग्र की तौकर मन से अपने अंतःकरण से स्वादिष्ट खाना बनाती है, वो भी तो भक्ति है अपने आप में। तो, वो तो अपने कार्यों को कर्म फल की इच्छा किए बिना यदि आप कार्य कर रहे हैं, अपने ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं, तो वही भक्ति है और उसी से आपका मनोवैज्ञानिक जो स्वरूप बनेगा प्रसन्नति बनेगी। ये सार रूप में आप भगवद गीता से लिया जा सकता है। जी ठीक है ये बात। मैडम इंदु जी और उसके बाद डॉक्टर सदानंद जी। डॉक्टर इंदु शर्मा जी। हाँ सर नमस्कार। जी जी नमस्कार सर। बहुत ही ना बहुत विशिष्ट और बहुत ही रोचक ना आपने विषय चुना है और बहुत विस्तार से आपने बता दिया और मैंने तो बहुत थोड़ा बहुत पढ़ा है जब तक समझ में आई हूँ वो बोल रही हूँ मैं कि आपने एक को तो चाइल्ड साइकोलॉजी के रूप में व्यवहारवाद भी बोलते हैं और आध्यात्मिक के रूप में अपने जो वो वर्ग बताया गीता पंचतंत्र तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि व्यवहारवाद में तो पशुवत व्यवहार करके बच्चे का व्यवहार सुधारा जाता है जो चलता है, है ना। तो उसमें मनुष्य पशु तो हो नहीं सकता क्योंकि संवेदनाएं उसके जन्म से ही प्राप्त हो जाती है मन के अंदर और वो संवेदनाएं जो भाव उत्पन्न होते हैं कितनी संख्या में, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वैज्ञानिक रूप से DNA होते हैं 36 या 24 क्या होते हैं वैसे ही शायद वो मनोभाव होते होंगे दोनों का कंपेरिजन देखा जाए तो, है ना। और इस हिसाब से मैं ये कहती हूँ कि ये जो आध्यात्मिक रूप है तो उसमें तो जैसे कि जीव और आत्मा और कर्मबंधन प्रारब्ध और मन और उसके बाद संस्कार वो लेके धरती पे आता है अपनी ये मानना है, है ना। और उसके बाद उसका बाकी स्वरूप चेतना वेतना सब जागृत होती है और व्यवहारवाद में सारा व्यवहार भौतिक और व्यवहारिक है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि बच्चों के साथ दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो उसका व्यवहार निश्चित करना है वो हमें पंचतंत्र की कहानियों से करना चाहिए, उसके मन पे जो असर करे फिर वो चेतना में चिंतन करे और बुद्धि से उसका व्यवहार करे, मेरे हिसाब से ऐसा एक प्रारूप होना चाहिए। और जैसे कि अपने आध्यात्म तो और आध्यात्म कर लो या पुराना विज्ञान कर लो उसके अंदर व्यवहारवाद के अंदर लक्षण के अनुसार भी लैंग्वेज है वहां पर उसी से वो व्यवहार करता है उसी से वो दिखाया गया है, लेकिन उस समय की परिस्थितियां अलग थी हम नहीं देख सकते लेकिन वो लक्षण आज भी काम करते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज आज भी मनोविज्ञान में काम करती है। आप किसी के मुंह खोलने से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं और ये भी बच्चों को आजकल सिखाया भी जाता है विज्ञान में। तो ये दोनों का ही सामंजस्य परिस्थितियां परिवर्तित है तो मेरे हिसाब से वैसा चलना चाहिए। और वैसे गीता में जो आपने बताया कि मन और चेतना वो सब भी है ना मुझे थोड़ा समझ में आया और ये सब मेरे लिए भी बहुत कठिन विषय है मन चेतना बुद्धि और आत्मा जीव, लेकिन जितना मैं समझ पाई हूँ बचपन से अभी तक मैं सोचती हूँ पंचतंत्र सबसे अच्छा आधार है, नींव अगर अपनी अच्छी होगी तो वृक्ष अच्छा ही बनेगा। जी जी धन्यवाद, इतना ही कहना चाहूंगी जी। डॉक्टर सदानंद जी विल यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस, अनम्यूट योर सेल्फ। Yes, the whole issue. Yes, sir. I was just recollecting a scenario where Bhagavad Gita and the literature on the philosophy of Ramakrishna Paramahamsa, it was distributed during psychiatry conference with a lot of meaning after a lecture. I would like to tell you
that our professors in psychiatry, they had tried and they had got convinced also that Bhagavad Gita is a manual for psychotherapeutic training. Okay. There is no controversy with regard to this. But when we are talking about controversies, we have got our history behind us, the recent history, and most of the psychiatry, psychology, the content of the course which is taught, it is thought out by the Western philosophers and derived from the philosophical outlook by psychologists, psychoanalysts, psychiatrists, and applied in their country, researched and found very convincing, and wrote books. We have read it. Our people have read it. The manuals are being used for the practice of psychotherapy and counseling. Yes. But the population, we are in a very diverse varieties of people. Diversity is our everyday experience, every minute experience. You turn left, right, or front, back. We are seeing only diversity, and many people are thinking in many different ways. So the counselor and the counselee, yeah, the participant or the subject who has got your help for counseling, we have to give a clear idea. But we are having controversies with the Western approach, the Bharatiya approach and the Western approach. And within the Bharatiya approach, there are controversies. There are controversies. For example, according to our outlook, the whole person, the mind and the body, is considered as a sensory organ to experience the world. And another controversy is with regard to the concept of the soul, which is defined in different way in different cultures, especially in the West and also in Bharatiya culture, it is defined in different way. Now, coming to our own Bharatiya philosophical outlook from which we have derived the psychotherapeutic approach, starting from Kurukshetra or even before that, the counseling by Sri Krishna for Arjuna to come up with his willpower to get exercised in the full gamut. It is not a story, it is not a history. It is also, apart from being story and history, Purana, Itihasa, apart from that, we have built a symbolic jagat out of this. Sri Krishna is our willpower and intellect, and the willpower is Arjuna, and the chariots are our sense organs, and we, the physical body, is the chariot as such. It is symbolically represented, and it is in inverted commas when you talk about religious, secular, etc. Okay, Bhagavad Gita, there are no much controversies with regard to its application and Aadhaar as manual for therapeutic purposes. But when we talk about controversies within our system, there are other thought processes like Hindu philosophy is there, Jaina philosophy is there, Buddhist philosophy is there. There are considerable differences of opinion about the contact of the sense organ with the object.
Say, for example, the sense organs are classified into prapyakari and aprapyakari. While the Nyaya Vaisheshika, the Mimamsa, the Sankhya and the Vedanta systems, they are holding that all sense organs are prapyakari, that they apprehend objects by direct contact with the objects. Buddhists, Jainas hold that in a different way. Some sense organs are aprapyakari, that some sense organs do not come into contact with the objects. In psychology, which is purely the Bharatiya psychology, philosophy, the whole body and the mind of the person is considered as a sensory organ. There is no such division as such. And with that, we are experiencing the world. And many spiritual scientists, thinkers, like disciples of Ramakrishna Paramahamsa, Abhinava Gupta, they have tried to apply this in psychotherapeutic purposes. Okay. Those who have read Dhirendranath Nandi, Professor Surya, who was the former first director of NIMHANS Bangalore, and many others, many others, they have tried to apply this Bharatiya philosophical outlook in psychotherapeutic, and many successes are reported. But a systematic research, clearing all the controversies, as Professor Acharya Ji, Ramakanta Angiras Ji has put it, controversies are very productive. Controversies emanate a lot of discussions, and controversies should be there for us to start thinking and refining our concepts. So in the process, what Professor Ashutosh Angiras Ji has started with this applied philosophical, this as a separate academic body as such, I think within this framework, we will be able to have real discussions where the controversies are solved, or controversies are better defined and better understood. Yeah. And within our diverse system, varieties of people, varieties of thinking, probably the controversies, and based on these differences of opinion, the psychotherapeutic approaches, we can tailor according to the need of the participant. That is what Professor Surya had put it as non-deterministic approach. Non-deterministic approach means we are not very biased about this school of thought or that school of thought. According to the client who is sitting in front of you and his need and his beliefs and customs, we will be able to tailor our psychotherapeutic process. Right. In the next forthcoming sessions, when I'm getting a chance, I will be coming out with the specifics, with quoting the review of literature, etc., in due course. Thank you very much. Right. Yes, sir. You will be cordially invited for a lecture on this issue, because we have to make it applied. But thank you anyway. Thank you so much. अच्छा और किसी का कोई दृष्टिकोण है, कोई और बात कहना चाहता है तो अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं. और उसके बाद डॉक्टर चितरंजन जी जो है इस सारे विषय को समाहार करेंगे, इसके ऊपर अपनी टिप्पणी जो है वो रखेंगे. लेकिन उससे पूर्व किसी का कोई, राहुल जी या नवल किशोर जी या रूपिका जी या डॉक्टर परमजीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. जी राहुल जी जी नमस्कार सर. नमस्कार.
इस विषय पर बहुत ही विस्तार से आज चर्चा हुई है, मानस शास्त्र और साइकोलॉजी के आधार पर। मुझे ऐसा लगता है कि जो संस्कृत में जो परिभाषा जिसने विस्तार से बताई गई है उतनी अंग्रेजी में नहीं बताई गई है, क्योंकि अंग्रेजी में शब्दों की कमी कह लीजिए या फिर थोड़ा सा विस्तार की कमी कह लीजिए, जितना संस्कृत में है उतना अंग्रेजी में नहीं देखा जाता, इसलिए बड़े विस्तार से चर्चा हुई है संस्कृत में। मैंने तुलनात्मक थोड़ा सा देखा है, जैसे वहां पे साइकोलॉजी कहा गया है, तो जैसे मैंने उत्पत्ति के आधार पे मैंने देखा तो वो आप हमारा जो पश्चंती शब्द है उसके आधार से वहां पे आया है, लेकिन अंग्रेजी में जो व्याख्या की गई है इन सभी विषयों की वो इतने विस्तार से नहीं है जितना कि संस्कृत में किया गया है। तो बहुत अच्छा, जो प्रेजेंटेशन तो बहुत ही अच्छा था आपका, और इस पर हम, मुझे लगता है कि और भी विस्तार से हम इसी एक विषय पर कर सकते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर चितरंजन दयाल कौशल जी को, जो कि अध्यक्ष है संस्कृत अकादमी हरियाणा के, कि वो इस विषय के ऊपर अपने जो है प्रेसिडेंशियल कमेंट्स जो हैं, अध्यक्षीय टिप्पणी हमारे साथ साझा करें। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आशुतोष अंगिरस जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि शास्त्रीय विषयों पर वो बहुत ही सार्थक चर्चा करते हैं, करवाते रहते हैं। पहले भी मैं से भक्ता करता रहा हूं और आज विशेष रूप से उनके आग्रह पर प्रारंभ से जुड़ा हुआ हूं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छते धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। ये संस्कृत का बड़ा सुप्रसिद्ध सुभाषित है कि जो समय का सदुपयोग है वो शास्त्र चर्चा में है, काव्य चर्चा में है, कुछ ज्ञानवर्धक आनंदवर्धक कथोपकथन में है, और शास्त्रीय चर्चा जिस रूप में हमारे अंगिरस जी करते हैं, करवाते हैं, और बड़ी शिद्दत से, बड़ी भावना से, कि भारत के ज्ञान विज्ञान का, ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों का समाज के उपयोग के लिए, व्यक्ति के उपयोग के लिए किस प्रकार हम उनका सरलीकरण, साधारणीकरण और व्यवहार परक उपयोग कर सकते हैं। शास्त्रों में तो ज्ञान भरा पड़ा है, किंतु वो इतना रहस्यमय है कि उस पर विद्वान भी चर्चा नहीं करते। तो वो उनका ये जो सफल प्रयास है उसके लिए उनको अनंत साधुवाद, आभार भी, धन्यवाद भी, और वो इस चर्चा को सबके सहयोग से निरंतर बढ़ा रहे हैं। रविंद्र कुमार जी ने, सदानंद जी ने, राहुल खट्टे जी ने बड़ी ही सार गर्भित बातें प्रस्तुत की हैं। मैं स्वयं सोचता हूं कि देखिए, एक युग था, मैं गीता विद्यालय कुरुक्षेत्र में पढ़ा और वहां पर हमारे संस्कृत के विद्वान पंडित उत्तम चंद जी शास्त्री, वो आयुर्वेद के भी विशेषज्ञ थे, और किसी विद्यार्थी की समस्या हो, किसी अभिभावक की समस्या हो, काउंसलिंग की वन मैन कमेटी थी वो। उस समय ना तो होम्योपैथी थी कहीं और एलोपैथी भी नहीं थी इतनी। सबके शारीरिक रोग को और सबके मनोरोग को, सबकी जो भी निराशा है, विषाद है, उदासी है, उसको दूर करने का एक ही वहां पर मार्गदर्शक था, पंडित उत्तम चंद जी शास्त्री। मुझे भूलती नहीं ये बात, मैं इस कहता हूं अक्सर मैं। तो भारत का जो ज्ञान विज्ञान है उसको तो बड़े षड्यंत्र पूर्वक नष्ट किया गया है, और उसको हमने बड़ी बुद्धिमत्ता से, बड़ी योग्यता से, और तुलनात्मक अध्ययन करते हुए, तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए पुनः स्थापित करना है। और आशुतोष अंगिरस जी इस महान कार्य के अंदर मुझे इकलौते दिखाई देते हैं। ठीक है, अपने अपने ढंग से सरकारें भी लगी हुई हैं,
कि भारतीय ज्ञान विज्ञान की प्रतिष्ठा हो, किंतु जो संस्कृतज्ञ हैं वो आधुनिक ज्ञान विज्ञान को नहीं जानते, और जो आधुनिक साइंटिस्ट हैं वो संस्कृत नहीं पढ़ते। संस्कृत और विज्ञान का जो एक बड़ा भारी परस्पर सम्मिलन होना चाहिए, उसको भी षड्यंत्र पूर्वक तोड़ा गया है। निरंतर प्रयास रहता है जो इस बात को समझते हैं प्रबुद्ध जन, चाहे वो कहीं पर भी रहते हैं, देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, कि किसी तरह से संस्कृत और विज्ञान को जोड़ करके प्राचीन विज्ञान, आधुनिक विज्ञान। स्वामी विवेकानंद भी बार बार कहते थे कि जो पूर्व का विज्ञान है, पूर्व का जो ज्ञान है और पाश्चात्य विज्ञान है, उसको जोड़ने की जरूरत है। और जो शिक्षा हमारे चरित्र निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का, व्यक्तित्व निर्माण का एक माध्यम है, उसमें ये अपेक्षित है, और आज इसकी नितांत आवश्यकता भी है, क्योंकि युवा वर्ग भी बहुत निराश हो रहा है। जगह जगह है आप देख रहे हैं कि बूढ़े तो बूढ़े वहां जाते हैं तो देखते हैं युवा भी, बच्चे भी आ रहे हैं, और काउंसलिंग कम हो रही है, उनको मेडिसिन दी जा रही है, क्योंकि हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है उसका शिक्षण प्रशिक्षण उस भारतीय पद्धति से नहीं हुआ जिस पद्धति से हम पढ़े हैं। एक क्षण निराशा का मालूम नहीं है। संस्कृतज्ञ जब गीता को पढ़ता है, प्रातः काल उठ करके प्रातः स्मरण पढ़ता है, संध्या वंदन करता है, श्लोकोच्चारण करता है, मंत्रोच्चारण करता है, जप करता है, मंत्र जाप करता है, बड़ी निष्ठा से, आस्था से अपनी दिनचर्या के अंदर उद्यमशीलता रखता है, मुफ्त खोरी नहीं रखता, अनाचार भ्रष्टाचार का उसमें कोई स्थान ही नहीं है, निरंतर उसके मन में उत्साह बना रहता है। इस संस्कृतमय पद्धति की, इस वैदिक पद्धति की, इस वैदिक ज्ञान विज्ञान की, इस शास्त्रीय ज्ञान विज्ञान की जो एक जीवन के अंदर, जीवन पद्धति के अंदर क्रियात्मकता थी, आचरण में था, ये उसकी नितांत आवश्यकता है। अब व्यक्ति ध्यान करे तो ध्यान करने से निश्चित रूप से उसके मन की शक्ति बढ़ेगी। हम शरीर को सजा रहे हैं, शरीर को बड़ा सुदृढ़ बनाने के लिए जिम खोले जा रहे हैं, अच्छी बात है, हमारा जो अन्नमय कोष है वो पुष्ट होना चाहिए, किंतु हमारा प्राणमय कोष भी पुष्ट होना चाहिए। किंतु मुझे याद है हमारे घर में स्वामी भास्करानंद जी आते थे, स्वामी व्रतानंद जी आते थे, हम छह भाई थे, हमको बिठा करके प्राणायाम कराया करते थे। आज योग दिवस मनाया जा रहा है और विश्व जो निरंतर विनाश की ओर, बीमारी की ओर, अस्वस्थता की ओर, रोग की ओर बड़ा हुआ था, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु प्रतिदिन क्या हम योग करते हैं, प्रतिदिन क्या हम ध्यान करते हैं, प्रतिदिन क्या हम जाप करते हैं, क्या हमारी आस्था को अनास्था में बदलने के नहीं प्रयास हुए जा रहे हैं? अभी आप देखिए बच्चों को कहते हैं स्कूल स्कूल में जाकर के, कॉलेज में जाकर के, कि आप हेलमेट डालिए। हम उनको इतना भी नहीं समझाने में सफल सिद्ध हो रहे हैं कि वो हेलमेट डालकर चलें। अभी कल की बात है, स्कूल के अंदर एक बच्चे ने बिना हेलमेट के चलाया हुआ था, उसका एक्सीडेंट हो गया और मारा गया वो। काउंसलिंग बहुत प्रभावी हो इसके लिए घर से उसकी शुरुआत होती है। माता पिता की काउंसलिंग आवश्यकता है, माता पिता घर से अच्छी शुरुआत करें, और जब बचपन से इसकी शुरुआत होगी और स्वयं बच्चे आचरण से, आचरण को देख करके सीखते हैं, सिर्फ कहने से नहीं सीखते, तो ये जो काउंसलिंग की बातें हैं सारी के सारी, चाहे वो हितोपदेश के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, शास्त्र चर्चा के माध्यम से, और जो उसके बड़े हैं, उसका जो पीयर ग्रुप है, उसके माध्यम से प्रभावी रूप से नहीं जाएगी तो केवल मात्र वाचिक हो जाएगी। ये जो शास्त्रीय चर्चा है इसमें तो अब गीता का पाठ हो रहा है, अच्छी बात है, किंतु मैं आपको बताऊं, मुझे भी बुलाया गया कई जगह,
गीता का मर्म नहीं समझते, संदेह ग्रस्त है आज भी युवा, वो कहते हैं कि फल के बिना कैसे काम करेंगे, बताइए मनोविज्ञान। ठीक है, अंतकरण उसका मन बुद्धि चित्त अहंकार को कह करके अंतकरण नाम अधिक सार्थक प्रतीत होता है, किंतु साथ ही साथ अब अंतकरण के अर्थ में ही मन का प्रयोग हो रहा है, उस मन का अर्थ विस्तार हो चुका है। और अब कैसे उसके हृदय में यह बात पहुंचाई जाए कि गीता का अर्थ ये नहीं, गीता के श्लोक का कर्मण्येवाधि कारस्ते का अर्थ ये नहीं है कि कर्म का फल नहीं लेना, हमने हमने फल की आसक्ति का त्याग करना है। ये क्रेजीनेस होती है, एकदम जल्दबाजी होती है, जल्दी से फटाफट मेरा क्या रिजल्ट आया एकदम, जैसे कोई बंदर है उसने बीज लगाया, आम की गुठली लगाई और साथ ही साथ उखाड़ के देखने लगे कि इसका फल बना कि नहीं बना। धीरज चाहिए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गुड़ा रितुआए फल होए, ये भूल चुके हैं। एक्सैक्टली एक्सैक्टली। अब बड़े भाव है मेरे मन में, किंतु समय की सीमा रहती है, और मैं कम ही कहना चाहता हूं क्योंकि सब आप जानते हैं, आप सब जानते हैं, किंतु जो आपका ये प्रयास है इसकी नितांत आवश्यकता। अब आपने ये हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया, इसका मैंने बताया था आपको कि आपने विद्यार्थियों का प्रयोग किया जी जी, इसकी जरूरत है। इस तरह से कई इंडेक्स अपने शास्त्रों के आधार पर जब बनाए जाएंगे तो बच्चे देखेंगे, संस्कृत वाले भी। और आपको क्या बताऊं, वन मैन कमेटी बना करके मुझे भी प्राचार्य लोग भी और कुलपति भी भेजा करते थे जब कहीं अन्य संस्कृत समस्या आती थी, और मैं जाके एक बात पूछता था, ये बता दो भाई भाईचारे से समाधान करना है या ऑफिशियली चलना है, और मैं कहता हूँ गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा रही, सबकी दुआ थी, वो कहते थे कि भाईचारे से समाधान करना है, समाधान तो भाईचारे से होना है। अब मैं जिस उत्तरदायित्व में निभा रहा हूँ वहां पर भी यही झगड़े हैं हर जगह, चाहे वो ऑफिस हो, मैं तो कहता हूँ वहां पर लगा दो भाई, प्यार से व्यवहार करें, आत्मनः प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, ये समाधान है। बस एक पंक्ति बता रहा हूं मैं, कितनी पंक्तियां ऐसी ऐसी, हम अपने लिए तो मानदंड और रखते हैं, दूसरे के लिए मानदंड और रखते हैं, बस यहीं से सारी समस्या खड़ी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंचे हुए हैं और मेरे पास आते समाधान कीजिए, मैं कहता हूं कोर्ट के बाहर समाधान करना चाहते हो तो अभी समाधान हो जाएगा, आप जानते हो, आपका मन जानता है कि न्याय क्या है, उसके लिए कहीं संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं, आपका मन जानता है, कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, आपका मन जानता है, मन मन को पता है कि यह सच्चाई है, आप उस मन के उसका जो एक ट्रांसपेरेंसी से आप कहते हैं, एक निष्पक्ष भाव से ऑब्जेक्टिवली आप विचार कीजिए, कोर्ट के बाहर ही आपका फैसला हो जाएगा और दोनों को न्याय मिलेगा, दोनों पक्षों को न्याय मिलेगा। किंतु आप एक नुक्ता पकड़ लेते हैं, कोई नुक्ता, और नुक्ते को घुमाते रहते हैं, लाखों रुपए वकीलों को देते हैं, समाधान फिर भी नहीं मिलता। तो असली चीज क्या है, मन को समझाने की, और मन क्या हो, सरल हो, सहज हो, और जिसके अंदर वही ना काम एश क्रोधेश रजोगुण समन्वय महाशनो महापापमा विध्येन विवरिण, तो काम क्रोध मोह अहंकार के कारण सारी समस्याएं हैं। हर कोई, मैं भी देखता हूं कि हर कोई अपनी फोटो, हर जगह मेरा नाम, और उसी के कारण समस्याएं हैं, फोटो खिंचवाते खिंचवाते लड़ पड़ते हैं, लोग धक्का मारने लग जाते हैं, ये स्थितियां हो गई हैं। हाँ, मैं तो रोज देखता हूँ, बीमारी हो गई है, बीमारी फोटो खिंचवाने की बीमारी, इसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, मोबाइल से चिपके हुए हैं, माता पिता की बात नहीं सुन रहे, आवाज लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सुन नहीं रहे। तो हर जगह अब आपके इस शास्त्रीय ज्ञान को व्यवहार में उतारने की जरूरत है, उसी के लिए ये पंच यज्ञ था कि भाई दिनचर्या नियमित बनाओ, मन को सुदृढ़ बनाओ, और दूसरे की बात भी सुनो। दूसरे की बात ना सुनने से हम बहुत नुकसान उठा लेते हैं व्यक्तिगत जीवन में भी, मैं अपने जीवन में भी जानता हूं बहुत उदाहरण, और उनसे यही सीखा कि दूसरे की बात सुनो, दूसरे की बात सुन करके यदि चलोगे तो लाभ में रहोगे। तो ज्यादा ना कहते हुए, इस उद्यम के लिए, इस सार्थक प्रयास के लिए आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद, और सभी विद्वानों को सुन करके बड़ी दृष्टि मिलती है।
सदानंद जी ने तो बहुत गहरी बातें कही हैं, एक एक पंक्ति के ऊपर पूरा शास्त्र से ये सुनेंगे आपका हम विस्तार से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबको नमन चरण वंदन। धन्यवाद डॉक्टर, बहुत सही आपने टिप्पणियां की हैं और बहुत सही बात कही है। डॉक्टर राजेंद्र, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही थी कि कौशल जी को सुन के जो इन्होंने बात कही कि छह भाई थे और हम प्राणायाम करते थे, तो ये पर्सनल बात है सर, वैसे व्यक्तिगत तो ये सर भीम का जो ये एक्टिंग करते थे ना सर डिपार्टमेंट में, वो मतलब अद्भुत अद्भुत शब्द भी उसके लिए कम है, तो मुझे वो चीज याद आ गई सर, बस वही बतानी थी। धन्यवाद सर। वो जी रविंद्र जी, मैं सर कौशल जी की एक बात पर कहना चाह रहा था, इन्होंने बहुत ही सुंदर व्याख्या की है कर्मण्य व अधिकारस्य की, उसमें ही केवल इतना जोड़ना चाह रहा हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि वो श्लोक ये नहीं कह रहा है कि आप कर्म फल की इच्छा या आशा ना रखो, ऐसा नहीं है, ये आमतौर पर कह दिया जाता है। कौशल जी ने एक शब्द बोला उसमें जो बहुत सही है उसकी व्याख्या, कि कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही कह दिया है कि यदि तू युद्ध करेगा और वीरगति को प्राप्त हो गया तो स्वर्ग मिलेगा, और हार भी गया, हार गया तो स्वर्ग मिलेगा, वीरगति को जीत गया तो इसका भोग करेगा। जी, जी। लेकिन जो कौशल जी ने कहा ना वो एक्चुअली सही व्याख्या है मेरे लिए, कि आप कोई भी कर्म करते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ कि उसका ये परिणाम क्या होना चाहिए जी। कोई ना कोई परिणाम या फल को प्राप्त करने के लिए तो मैं कर्म करूंगा अवश्य, मैं उपभोक्तव्यं कृतं कर्म शुभा शुभम, बिल्कुल। हाँ, तो वो जो है ना सर कौशल जी ने जो शब्द बोला ना कि कर्म फल के प्रति आसक्ति ना हो, वो इस श्लोक का सही अर्थ है, इसके लिए मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। ठीक है, अच्छी बात है डॉक्टर, करना ही चाहिए, जो नई बात और सही बात कर सकते हैं वो उसको तो हमें स्वीकार करना ही चाहिए और एक्नॉलेज करना चाहिए, और यही श्रेष्ठ लोगों का व्यवहार है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। तो चलिए आज की बात को हम यही विराम दे रहे हैं। डॉक्टर आनंद गुरही जी महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं अभी, लेकिन डॉक्टर साहब आपकी कोई टिप्पणी है क्या? चलिए, तो आज की इस संक्षिप्त परिचर्चा में हम लोगों ने प्रयास किया कि हम इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी और अप्लाई ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है इसके बीच में संस्कृत शास्त्रों के आधार पर कैसे हम जो है अप्लाइड भारतीय साइकोलॉजी के विषय को और काउंसलिंग टेक्निक्स को प्रयोग में ला सकते हैं और कैसे उसको हम व्यवहार में लाएं, ये उसका एक जो विषय था उसके ऊपर आज हमने परिचर्चा की है और समझने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि इसको अगर हम व्यवहार के स्तर पे लेकर के आए तो बहुत लाभ हो सकता है कि हम इसको कॉलेजेस के लेवल पे इसको लेकर के आए, यूनिवर्सिटीज में इसको लेकर के आए, और तो इसको बिल्कुल नितांत उपयोगी और व्यवहार कुशल बना सकते हैं। लेकिन चीजें समय लेती हैं, थोड़ा सा कठिनाई होती है क्योंकि इस तरह से हम लोग सोचते नहीं, विचार नहीं करते, लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों में हमें बहुत सारी चीजों में परिवर्तन लाना ही पड़ेगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कैसे हम इन विषयों को जो है वो सजो करके समेट करके रखेंगे, और इनको पुनः प्रतिष्ठा स्थापित कराने के लिए तो बहुत आवश्यक है कि इनको हम नए संदर्भों में परिभाषित करें। शास्त्र तो वही रहेंगे लेकिन हमें अपनी अप्रोच थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी जी। इससे पहले कि धन्यवाद करूं, डॉक्टर अनीता जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर आप सभी को नमस्कार, नमस्कार। मैं बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं इसको सुन के थोड़ा समझने की कोशिश कर रही थी सर।
मैं मेरा एक प्रश्न भी था सर, और समाधान के लिए तो आप लोगों से मैं सुनी रही हूँ। प्रश्न ये था सर कि जो एनईपी आई है जी, उसमें अभी जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने उसको लागू किया है, तो मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि वो प्रैक्टिकल जो स्किल उनको सिखाना चाह रहे थे, मैं मेरी समझ से बता रही हूँ सर कि जो एनईपी का पीछे वो था कि भी इनको स्किल आनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो भारतीय संस्कृति में जो स्किल कही है पारिवारिक तौर पे वो सिखाना चाहते थे, लेकिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने 4 पेपर की जगह उसको 8 पेपर बना दिया जी। वही वैसा ही सिलेबस लगा दिया। तो जो हम ये मनोवैज्ञानिक और ये जो बातें हैं सर, वो किस लेवल से शुरू करनी चाहिए और किस तरह से हम यहाँ मतलब इसमें लेके आए, क्या ये समाधान, इसलिए आपका जो ये ड्राफ्ट है इसमें ये समाधान सजेशन देनी चाहिए सर? जी मुझे तो यही लगता है, वस्तुतः हुआ ये है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने आपाधापी में जो है ना ये एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी और ये एक तरह से बिट्रेल हो गया, जबकि बहुत सारे इसमें संभावनाएं थी, लेकिन वो चलो अब नहीं हुई, उस पर कभी चर्चा करेंगे कि जो स्किल डेवलपमेंट है और जो मॉरल एजुकेशन वाली सारी बातें हैं उनको हमें पुनः परिभाषित करना चाहिए, दोबारा से अपने अपने विषयों के ऊपर हम उसके मूल्यांकन करें, वो चाहे कमिटीज बनाएं, चाहे ओपन हाउस डिस्कशन करें, प्रत्येक सिलेबस जो है प्रत्येक विषय का सिलेबस उस पर ओपन हाउस डिस्कशन होनी चाहिए और उसकी यूटिलिटी एप्लीकेशन आदि आदि पे बातचीत हो, बल्कि उसके आधुनिक संदर्भ क्या है उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। बहुत कम विषयों ने बदला है अपने विषय सामग्री को, संस्कृत में तो बिल्कुल ही नहीं, लगभग ना के बराबर ही बदलाव लाए हैं, हिंदी में भी इसी तरह से बड़ी कठिनाई हुई है वहां पे भी, लेकिन हिस्ट्री वालों ने अच्छे परिवर्तन किए हैं। और मैं आपको रुचिकर बात बताऊं कि संस्कृत विषय को दो विषयों ने जरूर टेकअप किया है और उनका समर्थन हम लोगों को करना भी चाहिए। एक तो मास कम्युनिकेशन वालों ने क्रिटिकल थिंकिंग के नाम पर जो है वो संस्कृत शास्त्र के विषयों को लिया है कुरुक्षेत्र में, वो मेरा ख्याल है 1 साल से अब लागू हो जाएगा। और दूसरा मुझे विश्वास दिलाया है फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, जिन्होंने संस्कृत विषय से संबंधित योग और जो स्पोर्ट्स हैं क्रीड़ा, उसको जो है अपने विषयों में शामिल करने की उन्होंने बात रखी है। तो मुझे लगता है कि जैसा उन्होंने विश्वास दिलाया है अगली बार जो है उनके उसमें बोर्ड ऑफ स्टडीज में वो शामिल हो जाएगा। जब मैंने 2013 में आर्य गर्ल्स कॉलेज ज्वाइन किया तो हमारे सिलेबस में इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए महाभारत लगाई गई थी जी, जी वो बहुत अच्छी मतलब माध्यम था कि हम लैंग्वेज तो इंग्लिश सीख रहे हैं लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के माध्यम से हम महाभारत को रीड कर पा रहे थे जी। और जब मैं उसको पढ़ा रही थी तो सर खुद 1-2 चैप्टर ऐसे थे जो मैं क्वेश्चन बचपन से सोचती आ रही थी कि हमें शराब का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, वो पढ़ाते पढ़ाते उत्तर मुझे कहीं ना कहीं वहां से मिला सर जी। तो क्या हम जैसे आप सभी बड़े हैं तो इस तरह से भाषा को सिखाने के लिए यदि हम हिंदी और अंग्रेजी में इंग्लिश में यदि हम अपने शास्त्र को इंग्लिश रूप में लगा दें तो क्या हमारे दोनों पर्पज फुलफिल हो रहे हैं उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, ये किया जाना चाहिए, ये प्रयोग तो हमें करने ही चाहिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रशिक्षण बड़ा जरूरी है कि पढ़ाना कैसे है। मेरे अक्सर ये कहना होता है कि भाई पढ़ाना क्या है और पढ़ाना कैसे है, दोनों के ऊपर आपको बराबर का बल देना पड़ेगा। आप लगा तो कुछ भी लें लेकिन पढ़ाने का तरीका ही नहीं अगर हमें पता तो फिर गड़बड़ होगी। पढ़ाना केवल ये तो है नहीं कि भाई हमने जाके अनुवाद कर दिए और बात खत्म हो गई, पढ़ाना कैसे है का मतलब है कि उसको व्यवहार में कैसे लाना है, वो कैसे प्रभाव छोड़ के जाए जिससे कि भविष्य का जो समाज है वो उस तरह से निर्मित हो। तो इस पे चर्चा रखेंगे, अभी ये बातें भी समाप्त नहीं हुई हैं।
एक बात मैं बताना चाहता हूं सर इस संदर्भ में जी। ऋग्वेद में एक अक्ष सूक्त है जी, उस अक्ष सूक्त का पूरा सार यह है कि यदि कोई व्यक्ति शराब के इसमें जाता है तो उसको उससे कैसे दूर किया जाए और उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। अब किसी व्यक्ति को ऋग्वेद के प्रति आकर्षित करना हो और आधुनिक जो समस्या है व्यसनाधीनता से यदि समस्या का रिजोल्व करना है तो बहुत अच्छा माध्यम है ऋग्वेद में, इसका स्पेशल सूक्त है। धन्यवाद जी, थैंक यू। तो चलिए इस चर्चा को फिर और अग्रसर करेंगे हम, दोबारा इस पे इन सब विषयों पर बातचीत करेंगे। तो आज की चर्चा में आप सभी के सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर परमजीत जी, डॉक्टर नीता जी भी बात में जुड़े हैं, उनका स्वागत और धन्यवाद। और मैं ऐसी आशा और अपेक्षा करता हूँ कि इसी तरह के विषयों को हम पुनः फिर लेंगे। और अगला विषय जो है वो 31 तारीख को श्री राहुल खटे जी करेंगे महाराष्ट्र से, नांदेड़ से, विशेष रूप से वो वहां रहते हैं। और एटिमोलॉजी जो है वो अंग्रेजी और बाकी विभिन्न भाषाओं की, उसमें किस तरह से वो रोल प्ले करती है और किस तरह से वो संस्कृत से जुड़ी हुई है, इस सारे विषय को वो लेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार फिर हम कोई ना कोई नया विषय लेंगे और देखेंगे कि हम कैसे उसको पढ़ा सकते हैं, कैसे उसको सुस्थापित कर सकते हैं और उपयोगी बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन। सर्वेषां बहुत बहुत बहुत